गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट सिविलाइजेशंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ योर क्लास 6th. 6th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है फर्स्ट सिविलाइजेशन, जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी, पहली जो सभ्यता थी उनके बारे में हम बात कर रहे थे. लास्ट जो डिस्कशन की थी हमने, जो क्लास हुई थी उसमें हमने देख लिया था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, फिर उनके किस तरह से उन्होंने टाउन प्लानिंग कर रखी थी, क्या क्या तरीके से वो लोग रहते थे, क्या क्या वो वर्क किया करते थे, उसके अलावा एरियाज उनके रहने के कौन कौन से थे. मैंने आपको बताया था एक तो सिटाडेल, पिछली क्लास मैंने आपको बताया था एक तो सिटाडेल मतलब जहाँ पे इस एरिया का नाम था जहाँ पे बड़े लोग रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, और दूसरा था लोअर टाउन जहाँ पे नॉर्मल कॉमन मैन रहते थे. फिर उसके अलावा हमने उनकी बात की थी कि कौन कौन से वो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें वो ग्रो किया करते थे, क्या क्या उनके पास एनिमल्स होते थे. अब बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स. नेक्स्ट है आपका पॉइंट ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड होता है व्यापार, कॉमर्स होता है वाणिज्य. द हड़प्पन एक्सपोर्ट सरप्लस गुड्स एंड इम्पोर्टेड गुड्स विच वर इन शॉर्ट सप्लाई. दे हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी मिडल ईस्ट कंट्रीज लाइक मेसोपोटामिया, इराक, पर्सिया, ईरान, ओमान एंड अफगानिस्तान. अगर हड़प्पन्स की बात करें, हड़प्पा के जो लोग थे ना, वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, मतलब इंडिया से बाहर अपने गुड्स भेजा करते थे. अब उन गुड्स की भी अगर बात की जाए तो उनमें कौन कौन से थे उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले वो कहाँ कहाँ भेजते थे. तो मेसोपोटामिया मतलब इराक भेजते थे, पर्शिया मतलब ईरान भेजते थे, ओमान, अफगानिस्तान. और उनके जो प्रोडक्ट होते थे वो कौन से थे, राजस्थान, गोल्ड फ्रॉम, जैसे अगर बात की जाए कॉपर जाता था उनका राजस्थान से, गोल्ड जाता था कर्नाटक से, और जो स्टोन्स होते थे प्रीशियस अच्छे तो स्टोन्स वो जाते थे गुजरात से, अफगानिस्तान और ईरान. ट्रेडिंग लिंक विद मेसोपोटामिया हैव बीन प्रूव्ड बाय डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामिया सेल्स फ्रॉम मैनी हड़प्पा सिटीज दैट ऑफ हड़प्पन सील्स फ्रॉम मैनी मेसोपोटामिया सिटीज. और ये पता लगता है कहाँ से कि हड़प्पा में मेसोपोटामिया की सील मिली है, जो स्टाम्प लगाते हैं ना वो मिली है, और मेसोपोटामिया में हड़प्पा की, हड़प्पा में मेसोपोटामिया की सील मिली. तो एक दूसरी जगह पे एक दूसरे की सील्स मिली है, जिससे पता लगता है कि इनका एक दूसरे से रिलेशन था. फिर बात करते हैं स्क्रिप्ट की. द हड़प्पन्स यूज्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स बना के ये स्क्रिप्ट लिखते थे. जैसे आजकल हम लिखते हैं ना ABCD 1 2 3 क ख ग, वैसे ये वो नहीं लिखते थे उस टाइम पे, ये करते थे पिक्टोग्राफिक पिक्चर्स बना के. तो इसमें कुछ पिक्चर्स के जैसे साइन होते थे जिनसे वो आइडिया लगाते थे. द हड़प्पन्स स्क्रिप्ट इनग्रेव्ड ऑन मेनी सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट ऑलमोस्ट ऑल द प्लेस ऑफ द इंडस वैली साइट्स. और जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है चारों तरफ दुनिया में अलग अलग जगहों पे, मतलब इंडिया की, पाकिस्तान की बात करें तो देखने को मिली है. इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग डिस्कवर्ड इन इंडिया सो फार. सबसे पहले इंडिया में ही ये राइटिंग फॉर्म बनाई गई थी जो पिक्टोग्राफिक फॉर्म थी. द स्क्रिप्ट आर येट टू बी डेसीफर्ड. और अभी जो ये स्क्रिप्ट जो है बंद हो चुकी है. हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात ए क्लोजर लुक. अब गुजरात में जो हड़प्पा का टाउन है उसकी बात करते हैं तो वो है धोलावीरा. कौन सा है टाउन, धोलावीरा. धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है. तो इसकी अगर बात करें तो देखते हैं, द सिटी ऑफ धोलावीरा लाइज इन द खादिर आइलैंड इन रन ऑफ कच्छ. कहाँ है ये, खादिर एक द्वीप है, आइलैंड है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में वहाँ पे है. द एक्सक्वेशन ऑफ दिस साइड स्टार्ट इन 1990 इज स्टिल इन प्रोग्रेस. 1990 में इसकी खुदाई करना स्टार्ट किया गया था और आज तक वो प्रोग्रेस में चल रहा है. इट इज़ 5th लार्जेस्ट साइट दैट हैव बीन एक्सक्वेटेड सो फार. पाँचवीं सबसे बड़ी साइट ये है. हाउएवर द स्क्रिप्ट आर येट टू बी सॉरी इट इज़ नॉन फॉर इट्स एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग. और ये किस लिए जानी जाती है, इसकी जो टाउन प्लानिंग है बहुत ही एक्सीलेंट थी. अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटी डिस्कवर्ड सो फार विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. धोलावीरा वर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. हड़प्पा की सिटी को दो भाग में बांटा था लेकिन धोलावीरा को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाई ए लार्ज स्टोन वॉल विद अ सेपरेट एंट्रेंस. हर एक पार्ट जो था बड़े बड़े स्टोन से कवर्ड था. ड्यूरिंग एक्सकवेशन जब इसकी खुदाई की गई तो इसके अंदर बहुत सारी साइट्स देखने को मिली. द ग्रेव्स हियर कंटेन पोर्ट्री एंड ज्वेलर्स. और इनके अंदर आपको ज्वेलरी,
पोटर वर्क जो था वो भी मिले देखने को. अदर फाइंड्स इंक्लूड अ लार्ज साइन बोर्ड कंटेनिंग 10 लार्ज सीज्ड लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट. इसके अलावा कुछ और साइन बोर्ड मिले हैं. दीज लेटर्स वर कर्व्ड आउट फ्रॉम वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड. और ये कुछ तो वुड्स लकड़ी के साइन बोर्ड मिले हैं और कुछ वाइट स्टोन से मिले हैं. अब आती है लोथल. एक साइट का वो नाम है, उसका क्या नाम है? लोथल. एक तो ये साइट हो गई धोलावीरा, एक हो गई लोथल. द सिटी ऑफ लोथल सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात. तो ये कहाँ है? ट्रिब्यूटरी जो है साबरमती नदी जो है उसके पास में देखने को मिलती है. इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिटाडेल और लोअर टाउन. जैसे हड़प्पा वाले में था ना सिटाडेल और लोअर टाउन, वैसे ही यहाँ पे है. और ये स्टोन्स मेटल्स के लिए काफ़ी अच्छा एक इम्पोर्टेंट रहा है एरिया. और यहाँ पे बहुत बड़ा एक वेयर हाउस भी देखने को मिला है. मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम द स्टोर हाउस. यहाँ से बहुत सारी सील्स देखने को मिली है. अ बीड फैक्ट्री विथ पीस ऑफ स्टोन, मतलब एक बीड फैक्ट्री जो स्टोन्स के बनाए थे छोटे छोटे प्रीशियस, वो मिले हैं. और टूल्स, बीड्स को बनाने के टूल्स मिले हैं. इसके अलावा ए ब्रिक डॉकयार्ड एंड मैनी मेसोपोटामियन सील्स, और मेसोपोटामिया की सील्स यहाँ पे भी बहुत सारी मिली हैं. फिर आती है डिक्लाइन. इनका ये कैसे ख़त्म हो गई, ये जो साइट्स थी ना इनका डिक्लाइन कैसे हुआ? अबाउट 3900 ईयर्स अगो, 3900 साल पहले, 3900 साल पहले ए मेजर चेंज ऑक्यूर्ड इन लाइफ ऑफ पीपल ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा के जो लोग थे ना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया. द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज बिगिन टू डिक्रीज. जो शहरों में लोग रह रहे थे ना वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लग गई. यूज ऑफ राइटिंग सील्स एंड वेट वर स्टॉप्ड एंड द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो केम डाउन. जो राइटिंग का काम होता था और रॉ मटेरियल जो आ रहा था कच्चा माल, वो धीरे धीरे कम होता चला गया. द यूज ऑफ बैक ब्रिक कंस्ट्रक्शन गिव वे टू सन ड्राइड ब्रिक्स. और अब जो बैक्ड, जो पहले जो एकदम पका के एकदम तैयार करके मजबूत ईंट बनाते थे ना, वो हो गई बंद और सिर्फ नॉर्मल ईंट जो धूप में सुखा के काम लेने लग गए. द पैटर्न ऑफ हाउस ऑल्सो चेंज बिकम लेस इम्प्रेसिव. और अभी क्या करने लगे, अच्छी क्वालिटी के हाउस नहीं बनाते थे. इन मोहनजोदाड़ो द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड गार्बेज पाइल्ड अपॉन द स्ट्रीट्स. और मोहनजोदाड़ो में चारों तरफ कचरा देखने को मिलता था. द एग्जैक्ट रीजन फॉर ऑल दिस हैपनिंग नॉट नोन, बट इट इज श्योर दैट समथिंग बैड हैड हैपेंड. इनका एग्जैक्ट रीजन क्या था, किस वजह से ये खत्म हुई, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ गलत वहाँ हुआ था. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, द रिवर हैड ड्राइड अप, कि नदियाँ सूख गई थी, नदियों का पानी सूख गया था. और कुछ क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन वॉज वन ऑफ द मेजर कोज, कि उन्होंने जंगलों को काट दिया, पेड़ों को काट दिया, जंगलों को साफ कर दिया, वो सबसे बड़ा कारण था. तो द स्पेसिफिक कॉज मस्ट हैव वेराइड फ्रॉम टाउन टू टाउन, बट अ जनरल डिक्लाइन हैज परहैप्स बिगन. तो सबका जो मत है, सबका जो आइडिया है, सब अलग अलग हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि ये शुरुआत तो हो चुकी थी यहाँ से ख़त्म होने की. अदर नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स और चेंज इन कोर्स ऑफ द रिवर इंडस ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्रोबेबल रीजन. कुछ लोग ये भी बोलते हैं अर्थक्वेक, भूकंप का आ जाना, फ्लड, बाढ़ का आ जाना, नदियों का अपना रास्ता बदल देना, ये भी कारण थे. वॉट एवर मे आर क्वाइट क्लियर, कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता. साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर कम्प्लीटली एबडोंडेड एंड द पीपल मूव टू स्मॉलर सेटलमेंट्स टू ईस्ट एंड द साउथ. और जो साइट्स यहाँ थी सिंध में और पंजाब में, वो क्या थी, लोग वहाँ से जहाँ रहा करते थे वहाँ से हटके जो स्मॉलर सेटलमेंट थे वहाँ पर रहना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था. तो कुछ भी रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने बताई कि अर्थक्वेक्स हैं, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से क्या हुआ, वो ख़त्म हो गई. तो ये चैप्टर आपका कम्प्लीट है. कल आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे. और बुक्स अगर नहीं खरीदी तो आप बुक्स जल्दी से परचेज कर लीजिए. थैंक यू सो मच.